और आज फाइनली मौसम ख़राब हो चुका है और मुझे लगता है कि सुबह तक बारिश शुरू हो जाएगी। और अभी जो है बहुत ही ख़तरनाक वाला तूफ़ान जो है यहाँ पे चल रहा है, ये देखो आप, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तूफ़ान। और ये हमारे चंदा मामा दूर के, और ये हम इनको नज़दीक लेके आते हैं। बहुत ही तेज़ हवा चली हुई थी रात को, और ये है हमारी कुट्टू घास खाती हुई। ये देखो, ये हमारी कुट्टू है, और ये मम्मी जी सामने, मम्मी जी घास दे रहे थे डोंगरों को, और हम यहाँ खड़े हुए थे मम्मी के साथ। और ये हमारा घर, और ये यहाँ पे पेड़ पौधे हमारे। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा, कितना ज़्यादा तूफान चला हुआ है, कैसे खेल रहे थे देखो। अक्सर ऐसे में भूत वगैरह दिखाई देते हैं ना, मैं अब ये सोच रही थी कि कहीं मैं बाद में वीडियो देखूंगी और मुझे भूत दिखाई दिया तो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये है मेरा बिल्लू, मतलब जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ये हमेशा मेरे साथ होता है, और मेरे को चलने भी नहीं दे रहा था, पाँव के बीच में आ रहा था बेवकूफ जैसा, ये आगे आगे चल रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज फिर से है संडे, और संडे वाले दिन मैं फ्री होती हूँ तो सोचते चलो व्लॉग बनाते हैं। और कल रात से वैसे भी मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था, बहुत सारी हवा चल रही थी, हवा नहीं तूफान चल रहा था, तो मुझे लगा सुबह को बारिश हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात को बहुत तूफान था, सुबह जब मैं 5 बजे थी तब भी थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही थी, पर दिन तक वही मौसम, कोई बारिश वगैरह कुछ नहीं, कोई बादल नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अभी हम अभी भी मैं फैन लगा के बैठी हुई हूँ, नहीं तो पिछले साल तक इस टाइम तक कोई गर्मी भी नहीं होती थी, मतलब इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना। और कल से ना हमारे घर में एक नई कैट आ गई है, मतलब ऑरेंज जैसे कलर की है, और मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई है, पर आ गई है, और वो मतलब बिल्कुल भी नहीं डर रही है हमारे से, और बिल्कुल मुझे लग रहा है वो किसी की पालतू बिल्ली है, क्योंकि अगर ऐसे स्ट्रीट कैट होती तो बस वो भाग जाती, पर वो नहीं भागी, तो पता नहीं अब वो किसकी बिल्ली है, कहाँ से आ गई है, अब पता नहीं भाई उसके जो ओनर होंगे वो कितने ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, है ना। बिल्लियों की यही आदत होती है, मतलब हमेशा भाग जाती है घर से। मेरी भी एक कैट थी ना मोगली, उसको मैं बहुत प्यार करती थी, वो भी भाग गया बेचारा, जब 1.5 साल का हो गया ना तो भाग गया। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे ना तो मैं पहले कैट की ही वीडियो डालती थी, क्योंकि मुझे ना कैट बहुत ज़्यादा पसंद है, और बचपन से हमारे साथ मतलब कैट रही है, तो बहुत सारी बिल्लियाँ थी, तो ऐसे ही दिमाग पर आ गया कि चलो उनके ऊपर वीडियो तो बना ही सकते हैं, व्लॉगिंग का तो कभी सोचा भी नहीं था। वैसे तो मैंने मोगली की बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कोई, अगर आपकी इच्छा तो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। और अभी 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 मैं क्या करूँगी मुझे कुछ नहीं पता, सोच रही हूँ मैं लाइव ही आ जाऊँ, किस दिन लाइव आऊँगी और फिर सबसे बात करूँगी। और फ्रेंड्स, ये थी वो कैट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ये देखो पता नहीं किसकी कैट है, और हमारे घर पे ऐसे आराम से बैठी हुई थी, और ये ऊपर ना कुछ पंछी थे जो इसको बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान किए जा रहे थे, जहाँ ये बैठ रहा था ना, ये बैठ रही थी जो भी है, वहाँ वहाँ ये जाके इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी ना इसके ऊपर कि ये बेचारा इरीटेट ही हो रहा था, बेचारी कैट आराम भी नहीं कर पा रही थी, इन पंछियों ने इतना शोर मचा रखा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ी करीब से जाके इसकी वीडियो बनाती हूँ, पर मेरे को देख के ये भाग ही गया, और साथ में जहाँ जहाँ ये भागा ना पंछी भी वहीं भाग गए साथ साथ में। ये देखना अभी आप, ये देखो ये भाग गया ना, और ये देखो अभी अभी उड़ गए यहाँ से, ये देखो आप देखो, ये देखो उड़ गए, तो कुछ ऐसा हो रहा था।
और ये देखो कहाँ जाके पहुँच गया वो, दूर जाके। और यहाँ पे है हरियाली ही हरियाली, देखो ये है अखरोट का पेड़, और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं, पत्ते बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, सफाई किसी ने करी नहीं है। और ये हम आ गए स्ट्रॉबेरी के पास, और यहाँ स्ट्रॉबेरी में फूल पड़ गया है, और एक जगह पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये देखो। अरे कहाँ चुपकी कहाँ चुपकी, हाँ ये देखो ये लगी है छोटू सी स्ट्रॉबेरी। अभी जब ये और ज़्यादा लाल हो जाएगी ना तो इसको खा लेंगे। और ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर फ्लावर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये देखो ये बहुत ही क्यूटू सा फ्लावर। और ये क्यूट फ्लावर के अंदर छोटी छोटी चींटियाँ थी, और ये देखो। और यहाँ पे जो है दीदी अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहे थे, और आज वो बना रहे थे समोसे, और उनको आ नहीं रहे थे तो सब अपनी अपनी कलाकारियाँ दिखाई जा रहे थे। उन्होंने तो एकदम बेकार बनाए थे, तो मम्मी जी बैठ गए थे, तो मम्मी जी अपने तरीके से बना रहे थे समोसे। और ये देखो मम्मी की कलाकारियाँ, वैसे आता यहाँ किसी को भी कुछ नहीं है, पर सब अपनी अपनी कलाकारियाँ ज़रूर करते हैं देखो। पर जो मम्मी ने बनाए थे ना वो फिर भी ठीक थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई समोसे खा रहे हैं। बाकी दीदी ने तो भगवान जाने क्या बनाया था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें घर में ट्राई करते रहना चाहिए ना, कभी अपना मन करे तो हम खा सकते हैं। ये देखिए यहाँ हो रही हैं बहुत सारी कलाकारियाँ, देखो देखो पूरी शेप आ गई इसमें समोसे वाली। तो बस कुछ ऐसे ही चल रहा था, और मेरे पास दो दो फ़ोन थे, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि किसे कौन सी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान अपने वाले फ़ोन पे था। नहीं वैसे ऐसा नहीं है, मैंने दीदी की वीडियो बहुत अच्छे से बनाई है। और ये तैयार हो गया जी हमारा समोसा, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब उतना अच्छा तो नहीं था जितना बाज़ार का होता है ना, पर फिर भी खाने लायक था। तो देखते रहिए अभी वीडियो आप, अभी वीडियो में बहुत कुछ है आगे देखने को। और फाइनली ऐसी जैसी शेप आई थी समोसे की, मतलब ये समोसा कम सैंडविच ज़्यादा लग रहा था, पर खाने में अच्छा था। और ये मैंने सामान मंगवाया था नायका से, और देखते कैसा है वह है। मैंने इसको अभी इसका लिफाफा जैसा खोला है ऊपर से, और देखते हैं मेरा सामान कैसे कैसे आए हैं। बहुत अच्छी पैकिंग होती है इनकी, क्या देखते हैं ओके। ये आ गया मेरा सनस्क्रीन, और ये आ गया मॉइस्चराइजर, इसको खोलते हैं जरा। खोलना बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छी पैकिंग की, इसलिए खुल भी नहीं रहा है। अच्छी ये आ गया, और ये आ गया है हमारा मॉइस्चराइजर। ये गर्मियों के दिनों के लिए बहुत अच्छा रहता है, इससे स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी, और ये सनस्क्रीन पीएफ। और ये हमारे बर्थडे वाले गुब्बारे यहाँ दम तोड़ते हुए बेचारे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपके आसपास कोई पालतू जानवर है जैसे कैट है डॉग है, तो अगर हो सके तो उनको कुछ खाने के लिए देते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं और अब इनको कुछ खाने को कुछ मिलता नहीं है। पानी तो ज़रूरी रखिएगा अगर आप खाने के लिए नहीं दे सकते, है ना। और क्या कर सकते हैं हम, हाँ, और बर्ड्स के लिए पानी ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बस ये छोटी छोटी कोशिशें करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।